बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पार्ट फाइव यानी पांचवे एपिसोड में आपका बहुत ही आपका एपिसोड देखने के लिए बहुत ही शुक्रिया मेरे दोस्तों। अब हम अल्लाह मुझे तौफीक दे रहा है पढ़ने की और इस वीडियो को बनाने की, और आप लोग देख रहे हैं, तो आप लोग से एक ही गुजारिश है कि मैं पढ़ रहा हूँ, सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, और जो कुछ अल्लाह मुझे समझा रहा है मैं अपनी ज़िंदगी में उसको अप्लाई कर रहा हूँ मेरे दोस्त। छोटी छोटी चीज़ों को डायरेक्ट मैं नहीं चेंज हो रहा हूँ, धीरे 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 अपने अंदर चेंजेस ला रहा हूँ। उसी तरह मैं चाहता हूँ दोस्तों, आप भी अपने अंदर चेंजेस लाएँ धीरे धीरे। ये ज़रूरी नहीं है कि एक बैग तुरंत ना लाएँ, आप धीरे धीरे। तो उकबा की दूसरी बैत आप शुरू करते हैं, जो उकबा की क्या है, दूसरी बैत है। हज़रत मुसअब रज़ियल्लाहु अन्हु की तालीम से इस्लाम की चर्चा मदीने के तमाम कबीलों में फैल गई, और उसका नतीजा यह हुआ कि अगले साल 73 मर्द और 2 औरतें यसरिब के कबीले में मिलकर मक्का आए। उनको यसरिब के मुसलमानों ने इसलिए भेजा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने शहर में आने की दावत दें और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंजूरी हासिल करें। इसलिए उन लोगों को, इतने लोगों को भेजा था। दोस्तों अब सोच लो, सच्चे ईमान वालों का यह गिरोह उसी मुबारक जगहों पर जहां 2 साल पहले इस शहर यसरिब के मुताबिक हाजिर हुआ करते थे। रात के अंधेरे में पहुंच गया और अल्लाह का प्यारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अब्बास को लिए हुए वहाँ जा पहुँचे। चचा अब्बास ने जो अभी मुसलमान न हुए थे उस वक्त एक बड़े काम की बात कही। उन्होंने कहा, लोगों, तुम्हें मालूम है कि मक्का के कुरैश मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान के दुश्मन हैं। अगर तुम इनसे कोई अहद व करार करने लगो तो पहले समझ लेना कि यह नाजुक और मुश्किल काम है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहद व पैगाम करना लाल और काली लड़ाइयों यानी बड़ी भयानक लड़ाइयों को दावत देना है। जो कुछ भी करो सोच समझ कर करो, वरना बेहतर है कि कुछ भी न करो। इन सच्चे ईमान वालों ने अब्बास को कोई जवाब न दिया। हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि हुजूर कुछ इरशाद फरमाएं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको खुदा का कलाम पढ़कर सुनाया, जिसके सुनने से वे ईमान व यकीन के नूर से भर उठे। अब सब लोगों ने अर्ज किया कि खुदा का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे शहर में चल कर बसे ताकि हमें पूरे का पूरा फैज हासिल हो सके। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालूम फरमाया, क्या तुम दीन हक के फैलाने में मेरी पूरी पूरी मदद करोगे, और जब मैं तुम्हारे शहर में जा बसूं क्या तुम मेरी और मेरे साथियों की हिमायत अपने बाल बच्चों की तरह करोगे। ईमान वालों ने पूछा, ऐसा करने का हमको मुआवजा क्या मिलेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो निजात खुदा की खुशी की जगह है। ईमान वालों ने अर्ज किया, ऐ खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह तो हमारी तसल्ली फरमा दीजिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको कभी छोड़ तो नहीं देंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं,
मेरा जीना मेरा मरना तुम्हारे साथ होगा। इस आखिरी जुमले का सुनना था कि सच्चाई के सैदाई खुश हो इस्लाम पर बैत करने लगे। बराबिन मारूर वह पहले बुजुर्ग हैं जिन्होंने उस रात सबसे पहले बैत ली थी। हिजरत का हुक्म आ गया मेरे दोस्तों। उकबा की दूसरी बैत के बाद कुरैश के जुल्म व सितम इंतहा ने मुसलमानों के लिए मक्का में ठहराना नामुमकिन बना दिया था, जिसका अंदाज़ा करने के लिए नीचे का वाक़या काफ़ी है। हिजरत का हुक्म पाते ही जब मुसलमान अपना घर बार कूबा कबीला छोड़कर मदीने की तरफ जाने लगे तो कुरैशियों को वह भी खली, उन्होंने रुकावटें पैदा करनी शुरू कर दी। अब सोच लो, हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि मेरे शौहर अबू सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने हिजरत का इरादा किया, मुझको ऊँट पर बिठाया, मेरी गेद में मेरा छोटा बच्चा सलमा था। जब हम चले तो मेरे कबीले के लोगों ने अबू सलमा को आ घेरा और कहा कि तू तो जा सकता है लेकिन यह नहीं हो सकता कि तू हमारी लड़की को ले जाए। इतने में अबू सलमा के कबीले वाले भी आ गए, उन्होंने कहा कि तू चला जा लेकिन बच्चा हमारे कबीले का है जो उसे नहीं ले जा सकता। चुनांचे अब्दुल असद तो बच्चे को छीन कर ले गए और बनु मुगीरह उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा को ले गए। हाँ, अब सलमा तनहा मदीने को चले गए। उम्मे सलमा से शौहर और बच्चा दोनों जुदा हो गए और अब अबू सलमा ने बीवी और बेटे दोनों को छोड़कर हिजरत का सवाब हासिल किया। मेरे दोस्तों, क्या क्या छूट रहा है? शौहर भी छूट रहा है और बच्चा भी छूट रहा है, लेकिन हिजरत का हुक्म है तो वहाँ से हिजरत करके। और हम आज 1% भी बात मानने को तैयार नहीं है मेरे दोस्तों, हम अपनी उसमें लगा देते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। फिर भी इस किस्म की रुकावटों और आजमाइशों के बावजूद एक एक दो दो करके लगभग सभी मुसलमान हिजरत कर गए। मक्का में सिर्फ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु और हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके घर वाले बाकी रह गए थे। कुरैश ने जब देखा कि मुसलमान एक एक करके सब निकल गए और मदीने में एक अच्छी भली तादाद मुसलमानों की जमा हो गई है जिसकी ताकत और ख़तरे से इनकार नहीं किया जा सकता, तो उनको अपने मुस्तकबिल यानी फ्यूचर की यानी भविष्य की चिंता हुई। उन्होंने साफ मालूम होने लगा कि अगर इस्लाम की जड़ न काटी गई तो हमारी अपनी ज़िंदगी और इज्जत खतरे में है। इसलिए मुखालिफों और दुश्मनों ने फैसला किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब अकेले रह गए हैं, इसलिए अब उनको कत्ल कर दिया जाए, नऊज़ु बिल्लाह। उन्होंने तय किया कि हर हर कबीले से एक एक योद्धा लिया जाए। ये तमाम लोग एक ही वक्त में चारों तरफ से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेर कर उन पर एक साथ वार करें। इस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की जिम्मेदारी किसी एक कबीले पर नहीं सब पर आ जाएगी। इधर दुश्मन फैसला कर रहे थे कि उधर अल्लाह ताला दूसरा फैसला कर रहा था। उसने आपको हिजरत का हुक्म दे दिया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म आ चुका है कि आप भी अब हिजरत कर जाएं। रात में जबकि आपका मकान घेर लिया गया था, आप अमानतों को हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के सुपुर्द करके हिजरत के लिए चल पड़े। वहाँ से निकलकर आप हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के मकान पर तशरीफ़ लाए। फिर दोनों साथ ही रवाना हुए और सौर की गुफा में जाकर छिप गए। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने बेटे अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु को पहले हिदायत कर रखी थी
कि दुश्मनों के तमाम हालात और दिन भर की तमाम कार्रवाई को रात में आकर बता दिया करें। इसी तरह अपने गुलाम आमिर फुहैरा को हुक्म दे दिया था कि बकरियों का रेवड़ दिन भर इधर उधर चराते फिरे और रात के वक्त उस रेवड़ को सौर की गुफा तक चराते हुए ले आया करें। अस्मा रज़ियल्लाहु बिन्त अबी बकर के सुपुर्द यह खिदमत की थी कि खाना तैयार करके रात को एहतियात के साथ गुफा वाले के पास पहुंचा दिया करें। मक्के वालों ने बहुत कोशिश की, इनाम का लालच भी दिया, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ पाने में नाकाम रहे। जब वे थक कर हार गए तो अब्दुल्लाह बिन उरैकत वायदे के मुताबिक उठनियाँ लेकर पहुँचे और इन दोनों को बिठाकर मदीने की तरफ चल पड़े। इस बीच सुराका बिन मालिक बिन जासम पीछा करता हुआ आप पहुँचा, करीब था कि आपके पास पहुँच जाता। उसके घोड़ों ने ठोकर खाई और वह नीचे गिर पड़ा, संभला उठा, सवार हुआ और चल दिया। जब बहुत करीब पहुँचा गया तो घोड़े ने फिर ठोकर खाई, इस बार घोड़े के अगले पांव घुटने तक धस गए। सुराका फिर गिरा, संभला उठा, सवार हुआ और हिम्मत करके आगे बढ़ना चाहा, लेकिन हिम्मत न पड़ी। फिर उसने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जान की अमान मांगी, अमान दी गई। सुराका आगे बढ़ा और अर्ज किया, अब मैं हर एक हमलावर को पीछे ही रोकता रहूँगा। और फिर उन्होंने ऐसा ही किया। अब मदीने में पहुँच गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मक्के से मदीने में हिजरत कर चुके हैं। अब उसके बाद का वाक्य देखते हैं। अब उसके बाद का वाक्य, आठ रबी अव्वल सन 13 नबवी सोमवार के दिन मुताबिक 23 दिसंबर सन 622 ईस्वी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कूबा में पहुँचे। मदीने वालों ने जब से सुना था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का छोड़ दिया है, वे हर दिन सुबह सवेरे शहर से निकलकर बाहर जमा होते और दोपहर तक इंतज़ार करके वापस लौट जाते। एक दिन ये लोग अभी वापस हो गए थे कि हुजूर पहुंच गए और एक शख्स के पुकारने से सब वापस लौट आए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चारों ओर परवाने की तरह जमा हो गए। अक्सर मुसलमान ऐसे थे कि जिन्होंने अभी तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नहीं किया था। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के पहचानने में परेशानी होने लगी। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु इस परेशानी को समझ गए और आपके मुबारक सर पर साया करके खड़े हो गए। काबा का मतलब देखो, मतलब पहचानने में कि कौन नबी है कौन वो सहाबा है, तो मतलब आप साया करके आपके मतलब अब कर पहचनवा रहे थे कि मतलब ये नबी है मैं साहबी। कूबा मदीने से 3 मील की दूरी पर एक जगह है। अंसार के बहुत से खानदान आबाद थे, उनमें अम्र बिन औफ सबसे मशहूर खानदान था और कुलसूम बिन हदस उसके सरदार थे। यह सआदत उन्हीं की किस्मत में थे कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले उनकी मेहमानी कबूल फरमाई और आपने कूबा में उनके मकान पर क़ियाम फरमाया। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जो आपके रवाना होने के 3 दिन के बाद चले थे, वे भी तशरीफ़ लाए और यहाँ ही क़याम फरमाया। कूबा में आप हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला काम एक मस्जिद की तामीर थी।
आपने मुबारक हाथों से मस्जिद की बुनियाद रखी और दूसरे साथियों के साथ मिलकर खुद उस मस्जिद की तामीर की। कुछ दिन कूबा में ठहरने के बाद आप मदीने की तरफ रवाना हुए। यह जुमा का दिन था। रास्ते में बनी मालिक के मोहल्ले में जुहर की नमाज का वक्त हो गया। यहाँ 100 आदमियों के साथ जुमे की नमाज पढ़ी और खुतबा दिया। यह इस्लाम में पहला जुमा था। जुमा की नमाज से फारिग होकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसरिब के दक्षिण से शहर में दाखिल हुए और आज ही से शहर का नाम मदीनतुन नबी का शहर, जिसे अब सिर्फ मदीना कहते हैं, हो गया। दाखिले की अजीब शान थी। गली कूचे अल्लाह पाक की बड़ाई और तारीफ के कलमे से गूंज रहे थे। मर्द औरत बूढ़े बच्चे सभी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार के शौक में बेताबी से इंतजार कर रहे थे। अंसार की मासूम लड़कियां प्यारी आवाज़ और पाक जुबानों से उस वक्त के गीत गा रहे थे। क्या गा रही थी? असरकल बदरु अलैना मिन सनी यानी हिदाय, इसका हिंदी पढ़ेंगे। 14वीं का चांद निकल आया, विदा की पहाड़ियों से हम पर खुदा का शुक्र वाजिब है। जब तक दुआ मांगने वाले दुआ मांगे, तेरे हुक्म की इताहत फर्ज है। तेरे भेजने वाला बुजुर्ग व बरतर है। ये मासूम लड़कियां दफ बजा बजा कर गा रही थी। नहनु जवारिम मिम बनी नजीरी या हजबा मोहम्मद मिनजारी, हम नजर ख़ानदान के लड़कियां। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे अच्छे पड़ोसी हैं। इसी तरह मदीने में दाखिल के वक्त हर जानिसार अंसारी के दिल की तमन्ना थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहमानी का शर्फ उसे हासिल हो। हर कबीला सामने आकर अर्ज करता कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह घर है, यहाँ क़याम फरमाएं, इसलिए मेहमानी का शर्फ किसे हासिल हो। यह एक सवाल था जिसका जवाब आसान न था। आप हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उटनी जिसके मकान के सामने ठहर जाए वही इस खिदमत को अंजाम दे। चुनांचे यह शर्फ अबू अय्यूब अंसारी के हिस्से में आया और जहां अब मस्जिद नबवी है वही मस्जिद नबवी है मेरे दोस्तों। इसके करीब उनका मकान था। यह मकान 2 मंजिला था। उन्होंने ऊपरी हिस्सा पेश किया लेकिन आप हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के आने जाने की आसानी देखते हुए नीचे का मंजिला में रहना पसंद कर फरमाया और हजरत अबू अय्यूब और उनकी बीवी के हिस्से में ऊपर की मंजिल आई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 महीने तक यही क़याम फरमाया। इसके बाद जब मस्जिद नबवी के करीब आपके क़याम के लिए हुजरे बन गए तो वहाँ चले गए। थोड़े ही दिनों के अंदर आपके ख़ानदान के लोग भी मदीना चले गए। मदीना में पहुँचने पर मेरे दोस्तों, मदीने में क़याम के बाद सबसे पहला और ज़रूरी काम एक मस्जिद की तामीर था। जहां आपने क़याम फरमाया था उसके करीब ही कुछ ज़मीन बंजर पड़ी थी जो 2 यतीमों की थी। उनको कीमत देकर यह ज़मीन हासिल की गई और मस्जिद की तामीर शुरू की गई। उस वक्त भी आप मज़दूरों की तरह सब के साथ मिलकर काम करते थे और पत्थर उठा उठा कर लाते थे। यह मस्जिद बहुत ही सादा तरीके पर बनाई गई थी। कच्ची ईंटों की दीवार, खजूरों की छत, खजूर के तनों के स्तून। इस मस्जिद का किबला बैतुल मक़दिस की तरफ रखा गया। ये किबला कहाँ?
बैतुल मक़दिस की तरफ रखा गया, क्योंकि अभी तक मुसलमानों का किबला भी वही था उस समय मेरे दोस्तों। फिर जब किबला काबे की तरफ हो गया तो मस्जिद में भी उसी हिसाब से घटबढ़ कर दी गई। मस्जिद का फर्श कच्चा था, बारिश होती तो मस्जिद में कीचड़ हो जाती थी। कुछ दिनों के बाद फर्श बना लिया गया। मस्जिद के एक सिरे पर एक पटा हुआ चबूतरा था जिसे सुफ़ा कहते हैं। यह उन लोगों के ठहरने की जगह थी जो इस्लाम लाए थे, लेकिन उनका कोई घर द्वार न था। पास ही प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के लिए हुजरे भी बने। मक्के से जो मुसलमान घर बार छोड़कर मदीना आ गए थे वे लगभग सभी बेसहारा थे। उनमें जो लोग खाते पीते थे वे भी अपना माल मक्का से नहीं ला सके थे और उनको छोड़ छाड़ कर यूँ ही आना पड़ा था। अगरचे ये सब मुहाजिर मदीना मुसलमानों यानि अंसार के मेहमानों थे, लेकिन बहरहाल अब उनके रहने के बंदोबस्त की ज़रूरत महसूस हो रही थी। ये भी लोग अपने हाथों से मेहनत कर करके ज़िंदगी बसर करना पसंद करते थे। चुनांचे जब मस्जिद नबी की तामीर ख़त्म हो गई तो आप हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन अंसार को बुलाया और उनसे फरमाया, ये मुहाजिर तुम्हारे भाई हैं। फिर आपने एक शख्स को अंसार में से और एक और मुहाजिर में से बुलाकर फरमाया कि आज से तुम दोनों एक दूसरे के भाई हो। इस तरह सब मुहाजिरों को एक दूसरे का भाई बना दिया और ये अल्लाह के मुखलिस बंदे सचमुच भाई हो गया। क्या भाई से भी कहा ज़्यादा साथी बन गए। अंसार मुहाजिरों को अपने घर ले गए और अपनी कुल जायदाद और सामान का हिसाब उनके सामने रख दिया और कहा कि आधा तुम्हारा और आधा हमारा। बागों की आमदनी, खेती की पैदावार, घर का सामान, मकान, जायदाद, गरज यह कि हर चीज़ उनमें भाइयों की तरह बांट गई और ये बेघर मुहाजिर सबकी सब इत्मीनान से बस गए। साथ ही बहुत से मुहाजिरों ने कारोबार शुरू कर दिया, दुकानें खोल ली और दूसरे कामों में लग गए। इसी तरह मुहाजिरों ने बसने का काम अंजाम दिया और इस तरह से इत्मीनान हासिल हुआ। मेरे दोस्तों, जब वहाँ से बहुत लोग हिजरत कर चुके तो ना लोग पास खाने का, ना पीने का, ना रहने का जाना था। वहाँ के मदीनों के लोगों ने अपने हिस्से में से, मतलब कि आधा अपने जितना उनके पास जायदाद था, आधा उनको दिया, आधा अपने पास रखा। इस तरह उनकी मदद की। मदीने के नए हालात, अब मदीने के तो पुराने हालात थे, अब नए हालात आ गए। मदीने में मुख्तलिफ अकीदे वाले और मुख्तलिफ मजहब वाले लोग आबाद थे। वहाँ थोड़ी तादाद में यहूदी भी आबाद थे। यहूदियों के तो कई ज़बरदस्त कबीले बनु नजीद, बनु कैनुका, बनु कुरैजा थे, जो अपने जुदा जुदा किलों में रहा करते थे। तिजारत और सूद के कारोबार की वजह से बहुत मालदार थे। ये यहूदी इस्लाम और मुसलमानों को किसी कीमत पर पसंद न करते थे, बल्कि इस इंतज़ार में थे कि मौका मिले तो मुसलमानों का गला काटे। यही हाल ईसाइयों का भी था। इन्होंने जब देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईसाइयों के खुद गढ़े हुए फर्जी अकीदे जैसे खुदा की बेटे का ख्याल, तीन खुदाओं का ख्याल वगैरह को रद्द कर रहे हैं और हजरत ईसा अलैहि सलाम की सही तालीम दे रहे हैं, और उन्होंने देखा कि उनका झूठ और मनगढ़ंत बातों की हकीकत खोल दी गई है, तो वे भी पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हो गए। मदीने के हालात का अंदाज़ा करने के लिए अब्दुल्लाह बिन उबई बिन सलूल के हाल पर भी एक नज़र डाल लेना ज़रूरी है। यहूदियों के अलावा मदीने का शहर और असरदार आदमी यह भी था औस व खजरज के कबीलों पर इसका पूरा रौब था और इसको उम्मीद थी कि इन ताकतवर कबीलों की मदद से मदीने की सबसे बड़ी ताकत वही बन जाएगा।
जब उसने देखा कि औस व खजरज मुसलमान हो रहे हैं तो खुद भी बद्र की लड़ाई के बाद जाहरी तौर पर मुसलमान से मिल गया, लेकिन जब उसने देखा कि यहूदी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ हो गए तो उसने चाहा कि यहूदियों पर भी यह उसका पहला असर कायम रहे और मुसलमान होने वाले कबीले भी पहले ही की तरह उसे के मातहत रहे। उसने यह रवैया अपनाया कि मुसलमानों में बैठकर उसने अपनी दोस्ती जाहिर करता और दूसरी कौमों के सामने उनके साथ अपने मेल का बखान करता। यहूदी, ईसाई और मुनाफिक, ये तीन अब जहां इस्लाम और मुसलमानों के मुखालिफ और दुश्मन बन गए थे और इन्हें सामने रख कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नई पॉलिसी और नया अंदाज अख्तियार करना था। वही मदीना में आने के बाद अब नई बात यह पैदा हुई थी कि मुसलमानों की एक छोटी सी स्टेट जन्म ले चुकी थी, जिसे न सिर्फ यह कि अपने पैरों पर खड़ा होना था बल्कि जिसे मजबूत बनाने के लिए उसके दुश्मनों का जो उसकी जड़ काट देने पर तुले हुए थे मुकाबला करना। अब दोस्तों मैंने बद्र की लड़ाई पढ़ेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि ये तो बद्र की लड़ाई इसको समझेंगे अच्छी तरह से और इसको हम नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।